हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आपका जो गूगल असिस्टेंट है, ये जो है एक बार रिसेट कर लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं, ये ठीक से काम नहीं करता है। एक बार काम करने के बाद ये जो दूसरी बार जो है काम नहीं करता है ठीक तरीके से। तो गाइस, इसी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को लेकर आ चुका हूँ। ये जो तीन तरीके से ये ठीक होता है, लेकिन जो ये परमानेंटली ठीक नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो किस तरीके से ठीक कर पाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहना। चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो बिना टाइम के भाई आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने तो यहाँ पर मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो इस तरीके से ओपन करने के बाद जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो गाइस, ये जो है मतलब किसी के मोबाइल में रीसेट कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार ओपन होता है और उसके बाद जो है अगले ही कुछ मिनटों के बाद जो है ये ओपन नहीं होता है। तो गाइस, मैं बात करता हूँ कि ये जो गूगल असिस्टेंट है और जो यहाँ पर हेलो जियो है, दोनों सेम टू सेम है। मैं कहूँगा कि आप लोग जो है ये गूगल असिस्टेंट के बजाय हेलो जियो यूज़ कीजिए, तो गाइस ये जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं ये कर देता हूँ, तो ये मैं बोलता हूँ हेलो जियो। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो गूगल असिस्टेंट से जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। देख सकते हैं यूट्यूब। तो गाइस, ये जो गूगल असिस्टेंट जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब ये हेलो जियो दोनों सेम टू सेम है। लेकिन आप लोग फिर भी जो है आप लोग गूगल असिस्टेंट को जो है यूज़ करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोगों के लिए ये तीन सॉल्यूशन है। जो कि है, पहला जो है आप लोग अपने जो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में आ जाइए। डिवाइस में आने जाने के बाद यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे दिखेगा रीसेट फ़ोन, यहाँ पर आप लोग रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को। लेकिन आप लोगों को मैं सॉल्यूशन दूंगा कि आप लोग बार बार मोबाइल को रीसेट मत कीजिए, क्योंकि रीसेट करने से आपका जो मोबाइल का जो सारा डेटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है गाइस। और एक सॉल्यूशन है कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे जैसे कि स्टोरेज में, तो गाइस यहाँ पर आप लोग नीचे चले आइए। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्लीन अप स्टोरेज में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को नीचे चले आना है। यहाँ पे नीचे कहाँ पर लिखा है असिस्टेंट, तो यहाँ से जो है आप लोगों को, तो मैं निकलता हूँ, तो यहाँ पर आकर ये जो है डिलीट कर देना है। जैसे ही डिलीट करेंगे तो आप लोग बैक चले आएंगे। बैक चले आने के बाद यहाँ पर गूगल असिस्टेंट में जाएंगे तो ये जो ठीक से काम करने लगेगा। तो गाइस यहाँ से मैं अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये पर जो ठीक हो गया है। लेकिन गाइस अभी जो ये बग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं आया प्रॉपर तरीके से, जब भी आता है मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है आप अपने जियो स्टोर में चले जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर अपडेट आया कि नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आया कि नहीं आया वो मैं देखता हूँ। यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अपडेट पहले से ही है। तो गाइस अगर आप लोगों के मोबाइल में अपडेट आया है तो वो अपडेट कर लीजिए, क्या पता मतलब उससे जो है 100% सॉल्यूशन हो जाए, इसके ठीक हो जाए। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं हम तक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।